Hey everyone, once again welcome back to my channel. और आज की वीडियो होने वाली है मिंत्रा हॉल के ऊपर. सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारा स्टफ शेयर करूंगी जो मैंने मिंत्रा से परचेज किया है. टाइटल देखो आपको पता ही चल गया होगा. सो आज का ये जो हॉल होने वाला है वो ह्यूज मिंत्रा हॉल है और सभी के रिव्यू मैं इस वीडियो में दूंगी. साथ में ही जो प्रोडक्ट के लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और आपने मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लिया होगा. सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग जो मैंने मिंत्रा से परचेज की है दिस जॉगर. और पिंक कलर का जॉगर है. एकदम प्लेन है ये जॉगर. कहीं पर भी आपको प्रिंट या कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा. और यहाँ पे जो है स्ट्रिंग दी गई है यहाँ पर, जिससे कि अगर आपके थोड़ा लूज रहता है वेस्ट एरिया पर तो आप एडजस्ट करके पहन सकते हो. एडजस्टेबल वाली स्ट्रिंग है इसमें और पूरा ही प्लेन है. बहुत ज़्यादा लाइक मटेरियल्स का जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. नीचे साइड आपको इलास्टिक दी गई है जिसकी वजह से फिटिंग बहुत अच्छी आती है. इसकी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है ये. और दो पॉकेट मिलेंगी इसमें और बैक साइड जो है आपको प्लेन मिलेगा. इसका जो मटेरियल है वो 100% कॉटन है. ये थिन वाला कॉटन ही है, थोड़ा थिक है. अंदर साइड जो है आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिया गया है, जिससे अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फीलिंग आएगी, साथ में वार्म फीलिंग आएगी. अगर आप विंटर में भी इसे पहनना चाहते हो जॉगर को तो आप पहन सकते हो. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में, फिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है. मैं जो है ब्रांड और प्राइस और साइज में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप आ जाके परचेज कर सकते हो. नेक्स्ट परचेज अगेन जॉगर और ये भी सेम ब्रांड का है. इसका जो कलर है वो ब्लैक प्लस पीच में दिया गया है और कुछ इस तरीके दिखता है. यहाँ पर जो है आपको स्ट्रिंग मिलती है, आप एडजस्ट करके पहन सकते हो इस जॉगर को भी. और यहाँ पर जो है दो पॉकेट दी गई है. पॉकेट जो दी गई है उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर से यहाँ पे एड ऑन किया गया है. साथ में जॉगर की नीचे साइड भी आपको यहाँ पे डेनिम दी गई है, नीचे साइड ब्लैक कलर से. और बैक साइड जो है वो एकदम प्लेन आता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है पहनने में. इसका भी मटेरियल सेम जो मैंने फर्स्ट वाला पिंक जॉगर दिखाया था उसकी तरह ही है. ये भी विंटर में जा सकते हो, इसको पहन सकते हो विंटर में भी. बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. इसकी जो फिटिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. सेम ही ब्रांड है इन दोनों का. सो आप इसको भी परचेज कर सकते हो. अगर आपको एक ब्लैक जॉगर से कुछ डिफरेंट वाला जॉगर चाहिए तो इसके लिए जा सकते हो. नाउ अगेन जॉगर और ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. लाइक ये मेरा फेवरेट जॉगर है. इसकी फिटिंग जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है. जो मैंने इससे पहले दो जॉगर दिखाए थे उससे भी ज़्यादा अच्छी फिटिंग इसकी है. अगर आप एक थोड़ा लूज वाला जॉगर देख रहे हो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सा ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. इसकी फिटिंग जो है बहुत ज़्यादा लूज है. या आपका जो थाई एरिया होता है और हिप्स एरिया साइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा लूज आएगा आपके. और यहाँ पे जो है इलास्टिक दी गई है, इसमें आपको पॉकेट नहीं मिलेगी. साथ में ही नीचे साइड में जो है बहुत ज़्यादा प्यारी सी कटिंग दी गई है. लेग के साइड यहाँ पर आपको एक कटिंग दी गई है इस तरीके से, तो ये थोड़ा डिफरेंट बनाता है जॉगर को. और साथ में यहाँ पे इलास्टिक दी गई है. कलर जो है आपको पूरा नियॉन मिलेगा. और साथ में ही एक शर्ट को दिखाऊंगी उसमें भी आपको कलर मिल जाएगा ग्रीन कलर. एक ही आपका सेट बन जाएगा प्रॉपर. तो ये पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. इसका जो मटेरियल है वो कॉटन ही है, बट आप इसको भी विंटर में पहन सकते हो. जो मैंने पहले कल दिखाए थे उसमें जो फिटिंग है वो थोड़ा बॉडी हगिंग वाली है, बट ये ऐसा वाला जॉगर नहीं है. अगर आप कुछ लूज सा देख रहे हो तो इसके लिए परफेक्ट भी जा सकते हो. तो इसमें कलर आपको स्काई भी मिल जाएगा प्लस ये भी मिल जाएगा. नाउ फोर्थ परचेज दिस क्रॉप शर्ट और ब्लू कलर में. ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है पहनने में. इससे पहले जो मैंने आपको एक जॉगर दिखाया था, अगर आप एक सेट चाहते हो प्रॉपर वाला, तो इसमें जो है आपको कलर मिल जाएगा, सेम नियॉन कलर मिल जाएगा. आप उसके लिए जा सकते हो. अगर आप एक ट्रैवलिंग वाला एक आउटफिट देख रहे हो स्टाइलिश प्लस विदाउट एनी एफर्ट्स, तो आप उसके लिए जा सकते हो क्योंकि कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. साथ में ही लूज फिट है तो ट्रैवलिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा. साथ में स्टाइलिश लुक भी देगा. कलर जो है आपको दो मिल जाएंगे. तो अगर मैं बात करूँ इसकी स्लीव्स की, तो स्लीव्स इसकी एकदम परफेक्ट है. यहाँ पे एक प्लेट्स वाली डिटेलिंग दी गई है और यहाँ पे वेस्ट साइड भी एक प्लेट वाली डिटेलिंग दी गई है. बैक साइड एकदम प्लेन आता है. इसका जो मटेरियल है और जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है. और ये एक क्रॉप वाला शर्ट है. मैंने इसमें जो साइज़ पिक किया था वो एस लिया था, उसके बाद भी ये मेरे लूज आ रहा था. अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो आई थिंक आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप इसको जा सकते हो. और नेक्स्ट परचेज दिस पुलोवर इन ग्रीन कलर. और ये एक बेसिक सा पुलोवर है. स्लीव्स पर आपको डिटेलिंग मिलेगी,
साथ में जो है नेक लाइन देख सकते हो आप, बेसिक के साथ यहाँ पे जो इसकी नेक लाइन दी गई है इस तरीके से डिटेलिंग के साथ, एक छोटी सी अंदर साइड यहाँ पे जो है इलास्टिक दी गई है और इसकी फिटिंग भी एकदम प्रॉपर अच्छी है। स्ट्रेट वाली यहाँ पे थोड़ी सी डिटेलिंग दी गई है। सो इसमें क्या है, आपको एक बेसिक सा प्लोवर है बट यहाँ पर जो है फ्रंट साइड पे थोड़ा डिटेलिंग आई है और आपको स्लिप्स भी मिलेगी। तो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो फिटिंग स्टिचिंग और जो मटेरियल है एकदम अच्छा है इसका। ड्रेस पेरी ब्रांड से है ये, तो ड्रेस पेरी का जो स्टफ होता है बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है, लाइक मुझे उसका स्टफ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी ड्रेस पेरी से है तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं इसको भी रिकमेंड करूँगी परचेज के लिए। और नेक्स्ट स्टफ जो मैंने परचेज किया है दिस टर्टल नेक इनर, और यहाँ पे इस तरीके से नेक मिलती है जिसे आप फोल्ड करके पहन सकते हो यहाँ पे। और इसका जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा स्मूथ है, सच में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका मटेरियल, और इसकी लेंथ भी एकदम परफेक्ट है, साइज एकदम बहुत अच्छा है, फिटिंग एकदम प्रॉपर अच्छी आती है, एकदम बॉडी हगिंग वाला है ये, तो वॉर्म भी है थोड़ा सा ये, और थोड़ा थिक वाला कॉटन है। और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का एक ग्रे कलर के ऊपर पैटर्न दिया गया है ऐसा। अगर आप इनर देख रहे हो एक टर्टल नेक वाली, तो आई थिंक दिस वन इज योर लास्ट डेस्टिनेशन। प्लस दिस पीच क्रॉप टॉप, और ये एक रिवर्ट पैटर्न में आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाइक मेरा अभी तक का ये फेवरेट है ये वाला। और एक मैंने जो आपको जॉगर दिखाया था वो मेरा फेवरेट स्टफ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक सा है, और आई थिंक इस टाइप के टॉप आपके पास होने ही चाहिए क्योंकि ये वाले जो है ऑलमोस्ट हर जींस के साथ चले जाते हैं और स्कर्ट के साथ चले जाते हैं, आपके डेनिम शॉर्ट्स के साथ चले जाते हैं, और साथ में आप लेयरिंग भी कर सकते हो। दिस वन इज गुड, लाइक सीरियसली आई लव दिस टॉप, आई रियली लव दिस टॉप। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है दिस शॉर्ट, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न सा दिया गया है जो स्ट्रेस वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है। इसमें जो मैंने साइज पिक किया था वो 32 किया था, जो मेरे बहुत ज़्यादा लूज है। इसकी जो फिटिंग है वो लूज आएगी आपको थाइस एरिया पे, बहुत ज़्यादा लूज वाली फिटिंग आएगी, और बैक साइड आपको ऐसे पॉकेट मिलती है, आगे आपको पॉकेट मिलेंगी। तो साथ में यहाँ पे बटन दिया गया है और यहाँ पे जिप दी गई है, मुझे सिर्फ एक्सचेंज करना पड़ेगा इसके साइज की वजह से, अदरवाइज प्राइस के अकॉर्डिंग लाइक मैंने इसके लिए जो पे किया था वो 400 पे किया था, तो उसके अंदर ये वाला शॉर्ट्स मुझे बेस्ट लगा। साथ में जो इसकी ब्रांड है वो ड्रेस पेरी है। अगर आप शॉर्ट्स देख रहे हो और अगर आपकी थाई थोड़ी हैवी है तो आप इसको परचेज कर सकते हो। स्टफ जो मैंने परचेज किया है दिस कार्डिगन, और इसका जो कलर है ग्रीन है, बहुत ज़्यादा प्रीटी कलर है, और मटेरियल इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसका जो साइज है वो भी एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे इस तरीके से आपको कुछ पैटर्न दिए गए हैं और इसमें जो है यहाँ पे बटन दिए गए हैं, वो पॉकेट मिलेंगे आपको, बैक साइड जो है आपको पूरा प्लेन मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा प्रीटी सा कार्डिगन है। आप चाहे तो इस कार्डिगन को ट्रेडिशनल के साथ भी पहन सकते हो, वेस्टर्न के साथ भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। मैंने जो साइज पिक किया है वो इसमें एम लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा लूज फिटिंग चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें साइज जो है एम लिया है। तो सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको कोई भी स्टफ पसंद आया है तो आप परचेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, इस वीडियो को शेयर भी करना, और साथ में मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करना, और कमेंट में बताना कि आपको कौन से प्रोडक्ट पसंद आया या फिर आप कौन से प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो। साथ में कमेंट में मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस हॉल के ऊपर देखनी है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।